नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर लाइव में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे और उन बड़ी खबरों पर हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से देंगे अपडेट। शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां पर दरअसल लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अलाया अपार्टमेंट भरभरा कर गिर गया है, और इस पूरे खबर की तफ्तीश की है हमारे संवाददाता चंदन वर्मा ने। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत वजीर हसन रोड पे कल देर रात जो एक बिल्डिंग गिरी थी, बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे में कई लोग फंसे हुए थे। तो वहीं जो रेस्क्यू अभियान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा चलाया जा रहा था, उसके बाद जो लोग मलबे से निकाले जा रहे थे उनको लगातार जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ देने के लिए उनको जो है अस्पताल भेजा जा रहा था, और उनका उपचार जो है डॉक्टर्स का पैनल बना था और जो है उनका उपचार जारी था। इस वक्त मैं हजरतगंज के सिविल अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही वार्ड है जहाँ पर जो इमारत में लोग जो दबे हुए थे उनको लगातार रेस्क्यू करके उनको निकाला जा रहा था और उनको जो है उनको अस्पताल भेजा जा रहा था, उनका इलाज जारी है। जो यहाँ पे कई लोग एडमिट हैं, जो घायल थे उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो वहीं जो दो महिलाएँ थी उनकी जो है मौके जो है इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई है। अब रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू चला रही है, जो आर्मी की टीम कल देर रात बुलाई गई थी वो भी लगातार अभियान में लगी हुई है। करीबन 15 से 16 लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है, और अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में विहिप की बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ रहा खास बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभ रिजवी। विश्व हिंदू परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम साधु संत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, तमाम विषयों पर बड़ा मंथन किया गया। खासतौर से जो ज्वलंत मुद्दा रामचरितमानस को लेकर के की गई टिप्पणी है उस पर भी मंथन किया गया, साथ ही साथ लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दे धर्मांतरण जैसे मुद्दे हैं, और देश के कई बड़ी शख्सियत जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने बाकायदा जो पूरे साल भर का विश्व हिंदू परिषद का कार्यकाल रहा है उसको लेकर के मंथन किया, साथ ही साथ आगे क्या कुछ करना है उस पर मंथन किया, और जो ज्वलंत मुद्दे देश में चल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक वर्ष माघ मेला या जो भी मेले में आयोजन होता है उसमें अपनी बैठक इस तरह से करता है, जिसमें से तमाम बड़े साधु संत इकट्ठा होते हैं, और प्रयागराज में इस वर्ष की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही, क्योंकि जिस तरह से बागेश्वर धाम का मुद्दा या रामचरितमानस को लेकर के जो टिप्पणी है उसको लेकर के जिस तरह से साधु संतों की प्रतिक्रिया आ रही है उससे साफ जाहिर है कि साधु संत रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की उससे काफ़ी नाराज हैं और ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बागेश्वर धाम के बाबा हैं उनके समर्थन में भी उतरे, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आने वाले दिनों में जो पूरे प्रदेश में संदेश देने की कोशिश करेगी वो इस बात की कोशिश करेगी कि जो भी सनातन धर्म की चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस पर अगर किसी तरह की कोई टिप्पणी करता है तो उसको बुद्धूर जवाब दिया जाएगा। श्वेवरिज भी इंडिया वाइज प्रयागराज। गुजरात दंगों में बीबीसी की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर के देश में सियासत का रूप देखने को मिल रहा है, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का साथ मिला है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर तमाम सारे हमले करते हुए आरोप लगाते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, और इस खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता दिनकर आनंद ने। ये मोदी और गुजरात दंगों को लेकर आई बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री को समर्थन करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने आज बुधवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा, क्या चाटुकारिता ही योग्यता का मापदंड बन गया है। उधर जेएनयू में भी मंगलवार रात को काफ़ी बवाल देखने को मिला, छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान किया था जिसके बाद वहाँ देर रात लाइट कट कर दी गई। मामले में 25 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर लिया गया है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। मिस्र के राष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं, गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति शामिल होंगे, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता पूजा झा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं, जहां पर मंगलवार देर शाम वो नई दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए भारत आए हैं।
और अपनी इस यात्रा के दौरान वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। 24 से 27 जनवरी की उनकी ये आधिकारिक यात्रा है। उनकी इस आधिकारिक यात्रा में उनके साथ 5 मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी समेत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आया है। जैसे ही अब्दुल फतेह अल सीसी एयरपोर्ट पर पहुंचे, पारंपरिक लोक नृत्य के साथ गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति अपने प्रवास के दौरान पीएम मोदी के साथ बैठक करेंगे। पारस्परिक हित के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसी शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके लिए राजकीय भोज का आयोजन करेंगी। गणतंत्र दिवस पर सीसी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे। मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी भी अन्य टुकड़ियों के साथ राजपथ पर मार्च करेगी। आपको बता दें, ऐसा पहली बार है जब मिस्र के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही G20 अध्यक्षता के दौरान भी मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि भारत और मिस्र दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां साल मना रहा है। ऐसे में मिस्र के राष्ट्रपति का भारत आना वाकई भारत के लिए गर्व की बात है। कैमरामैन निकी के साथ मैं पूजा झा। गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। गणतंत्र दिवस के लिए राजधानी देहरादून का परेड मैदान सज चुका है। परेड मैदान में ही राज्यपाल के द्वारा गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण यहाँ पर किया जाएगा और प्रदेशवासियों के नाम संदेश दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि गणतंत्र दिवस की जो हर्षोल्लास के साथ की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर अंतिम चरण में पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कि परेड मैदान में स्टेज यहाँ पर बन चुका है, जो मंच है यानी जहाँ पर ध्वजारोहण होगा, जहाँ से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाईं तरफ आप कह सकते हैं कि जहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके परिजन जो होंगे उनको बिठाने का वहाँ पर व्यवस्था है, वहाँ पर बैठेंगे। मंच के दाईं तरफ जो BBIP होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे यानी कैबिनेट मंत्री, मंत्री, विधायक और दूसरे जो आयोगों के जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा दूसरे जो लोग होंगे, जो पब्लिक यहाँ पर आएंगे, दर्शक यहाँ पर आएंगे, उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। परेड ग्राउंड में इस बार ये कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की जो तैयारियाँ उसकी जो साज सजावट है वो सजावट भी देखने लायक है। यानी कह सकते हैं कि दुल्हन की तरह परेड ग्राउंड को सजाने का काम यहाँ पर किया गया है और सभी को इंतजार है कल का, जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल महोदय उत्तराखंड के वो यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे और प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश पढ़ेंगे जिसमें राज्य की उन्नति को लेकर जो खाका सरकार तरफ से तैयार किया गया उसको बताने का काम करेंगे। ऐसे में अब सभी लोगों को इंतजार है कल का, जब यहाँ पर राज्यपाल गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। कैमरामैन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। गणतंत्र दिवस को लेकर के सिद्धार्थनगर जिले में किस तरीके से प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश यादव। गणतंत्र दिवस को लेकर सिद्धार्थनगर जिले के धनुआ बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस के जवान संयुक्त पेट्रोलिंग की है और यहाँ हर आदमी जाने जाने के लिए इस तरह से जगह जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसएसबी किस तरह से तलाशी कर रही है और तब फिर लोगों को यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने दिया जा रहा है। एसएसबी और पुलिस की टीम ने गणतंत्र दिवस को लेकर मुस्तैद है यहाँ पे और हर आने जाने वाले व्यक्तियों की समान तलाशी की जा रही है और उसके बाद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एसएसबी और पुलिस के जवान गणतंत्र दिवस को लेकर मुस्तैद खड़े हुए हैं और हर आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही यहां से उनको प्रवेश दिया जा रहा है। हर आने जाने वाले या फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर गाड़ी हो, सघन चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के धनुआ बॉर्डर में जहाँ एसएसबी और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति की सघन तलाशी की जा रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। बिहार के सुशासन बाबू आखिर किस बात पर आपा खो बैठे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच चल रही चर्चा की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर जा सकते हैं महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लेकर चर्चाएं चल रही हैं तो उसको साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस तरीके की फालतू अफवाहें ना उड़ाएं। जहां उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नेता मेरे भारतीय जनता पार्टी का कोई मेरे संपर्क में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ही नेता के ऊपर आरोप लगाया, कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद भारतीय जनता पार्टी के
नेताओं के संपर्क में, जिस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हुए कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन उसको उन्होंने साफ साफ कर दिया कि इस तरीके के फालतू के बयानबाजी ना करें, तो उसी पर साफ साफ रहा। जो सियासी घमासान है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है बिहार के अंदर। नीतीश ने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र में बिहार के विकास नहीं कर पाए हैं। सीएम नीतीश ने आज पटना में एएन कॉलेज में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूद राजनीतिक घटनाक्रम को खुलकर बात की है। उन्होंने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान को पलटवार किया है, जिसमें वो पार्टी नेताओं के बीच बीजेपी से संपर्क का दावा कर रहे थे। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर उनके वापसी एनडीए में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनके संपर्क में कोई नहीं, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा खुद दूसरी पार्टी के संपर्क में हैं और बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। जिसने जहां जाना है वो चले जाएं, मैं जो मन करे वो करें, पार्टी के अंदर पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में राज्यों के विकास करना चाहिए, इससे ही देश का विकास होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन छोड़कर एनडीए में नहीं जाएंगे। जिस तरीके से उन पर जो बयानबाजी चल रहे थे कि नीतीश कुमार खुद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद जेडीयू छोड़ के खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में, लेकिन उसी के बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक बिहार के बारे में नहीं सोचा विकास के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला भी किया था, हमला में उन्होंने साफ साफ निशाना साधा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से अब तक कोई विकास के कार्य पर जो गति को देखते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उसी के बाद में जैसे ही आज उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में कंटिन्यू बने हुए हैं, तो उसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को नेताओं से बने हुए हैं, और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस बिहार। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर के चॉपर को क्यों कराना पड़ा इमरजेंसी लैंडिंग, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धीर राजपूत। तमिलनाडु में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि ये आपातकालीन लैंडिंग खराब मौसम के चलते कराई गई। वहीं आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर जो है एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तभी खराब मौसम के चलते यह इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पर कराई गई। वहीं पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वहां पर टीम भी मौके पर पहुंची और श्री श्री रविशंकर जो है एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, तभी मौसम ख़राब हो गया और जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को तय जगह से पहले उतारना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में श्री श्री के अलावा 4 लोग सवार थे। 50 मिनट के बाद जब मौसम साफ हुआ तो चॉपर ने दोबारा उड़ान भरी। वहीं आपको बता दें कि जानकारी जो मिली है उसके अनुसार रविशंकर को जो हेलीकॉप्टर ले जा रहा था उसको इरोड के सत्यमंगलम में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं इस हेलीकॉप्टर में रविशंकर के अलावा जो लोग अन्य सवार थे वो भी सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं इस तरीके से जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई वो खराब मौसम के चलते हुई। वहीं आपको बता दें कि जब हेलीकॉप्टर मौसम साफ हुआ उसके बाद दोबारा जो है अपने स्थान के लिए वहाँ से जो है उड़ान उसने वहां से भरी। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। अमरोहा में किसने और क्यों सुनाई तालिबानी सजा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। अमरोहा में तालिबानी सजा का मामला सामने आया, जहां पर चोरी के शक में युवक को बांधकर तालिबानी सजा की दी गई है, उसको उसकी जमकर पिटाई की गई है, जिसके बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसमें संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के नोगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव अलीपुर कला का है, जहां पर पड़ोस के ही गांव के रहने वाले एक युवक को गांव के लोगों ने तालिबानी सजा दी है। चोरी के शक में उसको पकड़कर रस्सी से बांध दिया, रस्सी बांधने के बाद उसे पूरे घर में घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने उसको रस्सी से हाथ बांधकर उसकी जमकर पिटाई भी की है। पिटाई करने के बाद उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने सारे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की बात की है। पुलिस का कहना है कि इसमें जांच की जा रही है, जिन लोगों ने भी ये कृत्य को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जौनपुर में बंदूक की नोक पर कौन बना बंदूक का निशाना, बता रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बताया जाता है कि मोस्ट वांटेड बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस बदमाश के पास से तमंचा,
कारतूस, मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की बाइक को बरामद किया है। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के ओइना गांव में बीती रात मुखबिर की सूचना पर जो है पुलिस जो है वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंकने का जो है कोशिश की, तभी पुलिस ने और एसओजी की टीम ने जो है बदमाश को जो है मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जो है जेल भेज दिया है। घटना में बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद बलिया में किसने छिड़ा सियासी संग्राम, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस पर बयान को लेकर के अगर देखा जाए तो प्रदेश में जंग छिड़ गया है और साधु संतों में इसको लेकर के रोष है, आक्रोश है। मैं बलिया की अगर बात करूं तो बलिया में रसड़ा में श्रीनाथ बाबा मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है एक इस तरह का बयान देते हैं जो कि राजनीतिक सुर्खियों में बने रहें, इसके लिए वो बयानबाजी करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जो लोगों के बारे में, जो ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है, वह लोग भी बयानबाजी करते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लोग पढ़ करके मोक्ष तक भी हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और यह रामचरितमानस एक मार्गदर्शक है। कौशलेंद्र गिरी ने सीधे सीधे आरोप लगाया स्वामी प्रसाद मौर्य पर और ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का अमर्यादित जो विवादित बयान दिए हैं उस पर प्रशासन को, शासन को कड़ी से कड़ी सजा भी उनको होनी चाहिए, इसके लिए कौशलेंद्र गिरी ने मांग भी किया। रामचरित्र मानस जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लेकर के और पूरे प्रदेश में जो है इसको लेकर के जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का वो पूरे जंग छिड़ गया है और राजनीतिक गलियारों में भी इसको लेकर के काफ़ी हलचलें दिख रही हैं। रणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा पर किसने किया जानलेवा हमला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल जा रही छात्रा पर एक युवक ने थूका, जिसका विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल मामला बुलंदशहर के खुर्जा का है, जहां स्कूल जा रही छात्रा के ऊपर एक युवक ने थूक दिया। जब उनने उसका विरोध किया तो उसके ऊपर चाकू मार दिया, जिसके बाद छात्रा घायल हो गई और बेहोश होकर गिर गई। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं इस मामले में एसपी देहात बजरंगबली चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया युवक मंदबुद्धि है, जिसको गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया है। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वरुण शर्मा, बुलंदशहर, इंडिया वॉइस। हरदोई में किसने चिपकाए घोड़े के पेट में पोस्टर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जो कि घोड़े के पेट पर दोनों तरफ पर्चे चिपकाए गए थे कि मैं हूं जिला पंचायत राज्य अधिकारी हरदोई। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिला अस्पताल के सामने का है, जहाँ पे जब घोड़ा पहुँचा और लोगों ने देखा तो वहाँ तमाशा बन गया। और आपको बता दें वहीं पे पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुँची रेलवेगंज चौकी पुलिस ने वो पर्चा छुड़ाया और मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने बताया है कि जिला पंचायत राज्य अधिकारी से कोई नाखुश था जो उसने ये कार्य किया है, इस पर जांच की जा रही है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। मुरादाबाद में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। खबर पर की पड़ताल की हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी ने। मुरादाबाद जनपद के कड़गा थाना इलाके के 0 पॉइंट पर उस समय बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब एक वाहन को पीछे से टक्कर मार दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस के द्वारा जब घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा था, वहीं एक रोडवेज बस के द्वारा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डीसीएम को टक्कर मार दी, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को आनंद फानंद में उपचार के लिए सिविल लाइन्स स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें 3 कांस्टेबल की हालत गंभीर होने के चलते 3 पुलिसकर्मियों को मुरादाबाद से रेफर कर दिया गया है। 3 घायलों का उपचार हायर सेंटर में किया जा रहा है। वहीं जब घटना को लेकर एसपी ट्रैफिक से जानकारी की गई तो एसपी ट्रैफिक के द्वारा बताया गया, सड़क हादसे की सूचना पर पहुंची
पुलिस की टीम और एम्बुलेंस कर्मचारियों को तेज रफ्तार बस ने अनियंत्रित होकर टक्कर मारी है। रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण में जांच की जा रही है और घायलों का उपचार मुरादाबाद जनपद में अस्पताल में किया जा रहा है। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। शाहरुख खान के फिल्म को लेकर के जहां देश भर में विरोध चल रहा है, वहीं मुरादाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई हैं। खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी ने। शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर लगातार देश के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। वहीं मुरादाबाद जनपद में भी कई सिनेमाघरों में ये मूवी लगी थी, जिसको देखते हुए मुरादाबाद जनपद में सिनेमाघर प्रशासन की ओर से मुरादाबाद जनपद में पुलिस अधिकारियों को एक सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस की मांग की गई थी, जिसके मद्देनजर शहर के तमाम सिनेमाघरों में भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। सुरक्षा के व्यवस्था के दृष्टिगत भारी पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया है। वहीं मुरादाबाद जनपद में तमाम सिनेमाघरों में पठान मूवी लगी है, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मूवी देखी है। पठान को लेकर चल रहे विरोध पूरी तरीके से शांत है। मुरादाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने फिल्म देखी है, जिसको लेकर हमारे द्वारा लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि पठान मूवी अच्छी है, जिसको देखने के लिए अलग अलग स्थानों से शहर के अंदर सिनेमाघरों में लोग पहुंचे हैं। शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस, मुरादाबाद। पठान फिल्म का विरोध बदायूं में भी देखने को मिला है। यहां पर खबर की पड़ताल की हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना ने। पठान मूवी के लगातार विरोध के बाद आज पठान मूवी रिलीज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जिले के उजियानी क्षेत्र में आज सिनेमा हॉल पर पठान मूवी का शो चालू है, जिसको लेकर वहां के लोगों में काफ़ी उत्साह देखी गई है। वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं टिकट के लिए, टिकट खिड़की पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि जो टिकट 50 रुपए का था वो आज 100 रुपए का कर दिया। हर टिकट पर 50 रुपए की बढ़ोतरी करके टिकटों को वितरण किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि भीड़ को मद्देनज़र देखते हुए वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसने भी कमर कस ली है और वहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। एशिया कप 2023 पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा। इस साल होने वाले एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप को लेकर के भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। दरअसल एशिया कप में भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान भारत की टीम नहीं जाएगी, तो वहीं पाकिस्तान ने भी अब ये साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान भारत नहीं आएगी। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में भारत आती है और क्या इस पर कोई मीटिंग होती है। ये बात पिछले साल ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह ने साफ कर दी थी। इसके बाद तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के अध्यक्ष रहे रमीज राजा ने भी धमकी भरे शब्दों में कहा था कि यदि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में हाल ही में जय शाह ने बतौर ACC अध्यक्ष अगले 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट का शेड्यूल भी जारी कर दिया था, जिसमें एशिया कप भी शामिल रहा। इस दौरान एशिया कप की तारीखें और वेन्यू जारी नहीं हुए थे। तब ये भी चर्चा हुई थी कि एशिया कप को पाकिस्तान से किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसी बीच PCB के अध्यक्ष भी बदल गए और नजब सेट्टी नए चीफ बन गए हैं। ऐसे में नजब सेट्टी ने कोई भड़काऊ बयान देने की बजाय समझदारी भरा फैसला लिया है और जय शाह से मिलकर के मीटिंग में ये मामला सुलझाने की बात कही है। लाख कोशिशों के बाद ACC की अगली मीटिंग 4 फरवरी को होगी। ये बैठक बहरीन में होगी, इसकी जानकारी खुद नजब सेट्टी ने दी है। नजब सेट्टी ने साफ कहा है कि अब एक बार फिर इसको लेकर के बैठक की जाएगी। 4 फरवरी को बैठक होगी, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। कैमरामैन निकी के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले पर आज सुनवाई रही। क्या रही सुनवाई में खास, बता रहे हमारे संवाददाता मनोहर पटेल। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवादित भूमि मामले को लेकर आज कोर्ट में विष्णु गुप्ता के बात पर सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने 7-11 को लेकर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें काफ़ी समय बहस होने के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ पर 8 दिसंबर को बात दाखिल किया था और कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट के शाही ईदगाह मस्जिद के लिए आदेश दिए थे, जिस पर मुस्लिम पक्ष तिलमिला गया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने भी आज कोर्ट में मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखा और 7-11 के रूल को
कोर्ट ने स्वीकार लिया है। फिलहाल सभी वादों पर 7-11 रूल को लेकर कोर्ट में बहस चल रही है और लगातार कोर्ट पहले मुस्लिम पक्ष को ही सुन रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार 7-11 रूल कब तक मुस्लिम पक्ष की ढाल बन पाता है। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।